हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप? आई होप सो आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी जेड प्लांट की कटिंग कैसे लगाते हैं। मैं भी ये किसी से मांग के लाई हूँ। ये मेरा मिक्स सोइल है जो मैंने बना के रख रखा था। ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट मैंने एक कट्टा ला के रख रखा है पूरा पौधों के लिए। और ये जो आप पॉट देख रहे हैं जिनमें मट्टी है, ये रेत है। ऐसे ही रख देते हैं लाके कहीं से कि कब जब गमले लगाएंगे उसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि केवल मट्टी में गमले लगाने से ना पानी पूरा ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो इसलिए मिक्स करके लगाते हैं। एक हिस्सा मट्टी का, एक रेत का और एक वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तो थोड़ा कम ही डालते हैं, इतना ज़्यादा नहीं डालते हैं, रेत से आधा होता है। तो अब मैं ये सब इसमें डाल लेती हूँ। ये मैंने नीचे इसलिए डाला था कि आगे इसमें कुछ हो ना नीचे कीड़े वगैरह, तो ये साफ़ है। अभी मैं जो ये मेरे पॉट हैं इनमें मैंने गमले गेंदे के पौधे लगा रखे थे जो सीजनेबल थे, वो सूख गए हैं तो मैंने निकाल दिया उनको। ये तो आसानी से निकल गया, देखो आपने कितना इसमें कितनी अच्छी मट्टी है, भुरभुरी ऐसे ही निकल जाती है। ये भी इसमें थोड़ा सा ये गीला था शायद, अभी गीला तो नहीं है लेकिन ऊपर का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब देखो ये भी कितना इजीली निकल गया है, क्योंकि मैं मिक्स सोइल करके ही हमेशा लगाती हूँ वो उसको पौधों को। और जो बीच में आप ये गमला देख रहे हैं ग्रीन, छोटी छोटी पत्ती, ये प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ था। गमला टूट गया, इसमें पानी नहीं रुक रहा है। इसमें लगाने के लिए जो इतना बड़ा होल है इसको ढकने के लिए मैं ये दिए होते हैं ना दिवाली वाले, वो यूज करूँगी। उससे ना पानी रुकता भी नहीं है, इजीली मॉइस्चर ना मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता गीला और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होता। एक्स्ट्रा हो तो नीचे से निकल जाता है। अभी मैं इसको मिला लेती हूँ। मिला के फिर सब इन पॉट में मट्टी को डाल के फिर मैं इसमें कटिंग लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इस अपने जो मेरा पौधा सूख रहा है इसी का ट्रीटमेंट करती हूँ, क्योंकि वरना ये मर जाएगा। और फिर मैं एक दिन आपको अपना गार्डन भी दिखाऊंगी। गार्डन तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, मुझे शौक है पौधों का, जैसे भी मैंने कर रखा है। अब तो बारिश की वजह से गमले बहुत गंदे हो रखे हैं, इन पे भी पेंट करना है। मेरी मिट्टी मिक्स हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब आप देखें जो जो इसमें एक दो डली थी वो मैंने फोड़ ली है सारी, अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। ठीक है, अब मैं इनमें गमलों में डालूंगी इसको। ये जेड प्लांट की कटिंग मैं लाई हूँ किसी आंटी से मांग के। मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे उनके घर के बाहर एक गमले में बहुत ही बड़ा जेड प्लांट हो रखा है, बहुत मोटी मोटी ब्रांच है उसकी। तो रात के समय घूमने गई थी तो देखा, फिर मैं रात को तो तोड़ नहीं सकती इसलिए मैंने उनसे पूछा भी नहीं। फिर मैं कल दिन में गई थी उनके यहाँ, मैंने बोला आंटी आप मेरे को इसकी कटिंग दे दो एक दो। आंटी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा ले जाओ। मैंने दो कटिंग काट ली और बोली नहीं नहीं आप और काट लो, दो तीन गमलों में लगा लेना, क्योंकि उनके यहाँ उन्होंने बोला हमारे तो यहाँ छत पे भी बहुत बड़ा रखा है जेड प्लांट, तो मैं वहां से लेके आई। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये इस पॉट में रख दिया है, इसमें थोड़ी सी मट्टी डाल दूंगी और इसको वाटरिंग कर दूंगी। ये एक दो दिन में ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि पौधे जब मर जाते हैं तो बहुत दुख होता है मुझे। अब मेरे घर में केवल मुझे ही शौक है गार्डनिंग का, और कोई तो पानी भी नहीं देगा। पर ये है ना, मेरा मन लगता है, मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह ग्रीनरी देखना। अब मैं इसमें अपनी जेड प्लांट की वो लगाती हूँ, जो मेरे जेड की कटिंग है वो सब सब में मट्टी भर के अच्छे से लगाती हूँ। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो देखा करिए, मुझे पता है अभी आपको पसंद नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे मुझे अभी ना वीडियो बनाना ठीक से शूट करना भी नहीं आता, ना एडिटिंग करनी आती है। और यूट्यूब पर तो आप जानते ही हैं बहुत एक से एक बड़े बड़े कलाकार हैं। पर प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज को लाइक करें, प्लीज़ आप ही हैं जो मेरी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज को लाइक करें ताकि मेरा साहस बढ़े और मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। और जो मुझसे गलतियाँ हुई उन्हें प्लीज़ माफ़ करें। देखो ये मैंने सबसे बड़ी ब्रांच थी जो वो इसमें लगा दी हूँ, इसमें एक ब्रांच ही काफ़ी है क्योंकि ये काफ़ी मोटी है। इसमें चार ब्रांच और निकली हुई हैं, मेन ब्रांच जो वो मैंने नीचे गाड़ दी है उसके आसपास चार ब्रांच और निकली हुई हैं, तो ये एक पोर्ट के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि पोर्ट भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये छोटे ही हैं। अब इन सब में मैं आपको लगा के अभी दिखाती हूँ, ठीक है? पूरी दिखाऊंगी तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो अभी आप देखो मैंने सारे में लगा दी है, एक तो ये इसमें बड़े वाले में ही लगा दिए, देखो सब काट काट के ऐसे लगा दी हैं, एक दो तीन हो गए हैं, चार पाँच छः में मेरे जेड प्लांट लगे हैं और एक ये मेरा वो पोट। इन सब में वाटरिंग कर दूंगी। अब जब आप पौधे लगाते तो एक बार फुल वाटरिंग करें, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन करें, ठीक है फ्रेंड्स? अब मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मुझसे गलती होगी हो उसे माफ़ करें। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।